परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस बुलंदशहर सिटी मजिस्ट्रेट का दावा है कि पीड़ित द्वारा बताए गए प्रकरण की गहनता से जांच कराई जाएगी और पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। अधिकारी क्या एसडीएम महोदय जी के? एसडीएम कौन से? सिकंदराबाद। हाँ, उनका क्या, आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है जी, मेरे भाई ने जमीन बेच दी, उस पर मुझ पर स्टे मेरा धारा 76 का मुकदमा चल रहा। जब तक हमारे कुड़े डिसाइड नहीं होंगे, जो बंटवारे में मुझे चक दे रखा तो उसमें दूसरा कैसे घुस जाएगा। उसके साथ साथ एसडीएम महोदय जी का पहला 2000 उसका 27/10/17 का मुझ पर स्टे भी है। ये तीसरा बैनामा बाद में हुआ। पहली बात तो सर वो बैनामा ही कैंसिलेशन में है, क्योंकि दीवानी में यहाँ बैनामा कैंसिलेशन भी है, मेरा विवाद भी है, जिस पे ऑलरेडी आपत्ति है उसका बैनामा क्या और दाखिल खारिज क्या, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा। एक तरफा सुन रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, हम बोलते हैं तो हम धमकाते हो। कितने बीघे जमीन है? जमीन सर हम दो भाई हैं, 35.25 बीघे जमीन है, उन पर अलग है 18 बीघे, मुझे 17.25 बीघे सबसे बेकार भूमि दी थी सर, वो भी बेच दी। अब समय से बेचते जा रहे हैं जी, गाँव में एक मकान की ठेक बेच दी। मैं बार बार प्रार्थना पत्र लगाता हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा जी। मैंने डाकखाने द्वारा भी रजिस्ट्री कर ली है, मैंने मोदी जी को हर जगह 22 जाकर प्रार्थना पत्र दे चुका जी, SSP साहब के भी यहाँ जी, और सिटी SP साहब के यहाँ भी थाने में जी। ये कब आपने दिया था कि मैं परिवार सहित आत्मदाह कर लूँगा या आत्महत्या कर लूँगा, ये कब दिया था आपने? सर मैं इसको क्या दूँगी, जब मैं मजबूर होगा मेरी कोई सुन नहीं रहा तो मैं करूँ क्या जी। फिर मुझे ये लिख के कब दिया था आपने? ये लिख के कभी भी नहीं दिया सर। तो आज आप क्या करने आए थे यहाँ? आत्महत्या करने आए थे। तो बिना लिखे कर रहे थे? वो क्या करें सर, जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा तो हम इससे तो यहीं DM साहब के यहीं आके अपना वो कर लेते, ज़्यादा बेहतर। कब से घूम रहे हैं हम जी? सुबह से। नहीं, इस अपनी समस्या का हल कराने के लिए? अपनी समस्या का हम इससे घूम रहे हैं जी 2014 से, 6 महीने से जी, और अब 29/4 से तो पूरे हम चक्कर पे हैं जी दिन रात, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा जी, हमें धमका के और भगा देते। समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है जी कि जो हमने आपसी बंटवारे का वो डाला है, पहले तो हमारी वो सुनवाई जा, वो नहीं सुनवाई जा तो सबसे तो बेहतर ये है जी, जब हमें स्टे SDM महोदय जी ने दे रखा, जब उसको भी नहीं सुन रहे और स्टे के बीच में किसी बात का निस्तारण नहीं हो रहा, पार्टी को जबरन कब्जा दिवा रहे हैं, मेरी फसल फुटफुट करवा दी थी, निस्तारण होने के बाद ही तो वो पक्षकार उसमें बढ़ते, उससे पहले उनको कोई अधिकार नहीं है। आपका प्रयास क्या है, क्या है पूरा मामला? प्रकरण संज्ञान में आया है, SDM सिकंदराबाद से मैंने बात किया है, उनको बुलाया गया है और परिवार की समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। इसका ये आरोप भी है कि जिला सिकंदराबाद प्रशासन प्रशासन यहाँ तक मुख्यमंत्री तक पोर्टल पर शिकायत की है, बार बार निस्तारण नहीं हो पा रहा, आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही है? शायद प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसका समाधान कर रहा है। तो जो परिवार आत्मदाह का प्रयास यहाँ कर रहा था, क्या वो कस्टडी में लिए गए हैं क्या? कस्टडी में लिए गए? कितने लोग परिवार की कस्टडी में लिए गए? चार नहीं है, कितने लोग हैं बट जो मेन मुख्य आदमी है वो अभी संज्ञान में आया है, उससे उसकी समस्या का संज्ञान लिया जा रहा है, SDM से बात की जा रही है। परिवार को बचा दिया गया है?